सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और आईपीओ की ऑफिशियल डेट्स एंड डिटेल्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर कंपनी की कुछ सर्विसेज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 यानी 2003 में यह कंपनी बनी थी। श्री वेंकटेश रिफाइनरीज इज वन ऑफ द ग्रोइंग एडिबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी इन महाराष्ट्र अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रिच सोया। अब देखिए यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये रुचि सोया नहीं है, रिच सोया है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जो कंपनी है एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और इसका जो ऑयल है वो महाराष्ट्र के अंदर रिच सोया के नाम से आता है, तो यानी कि ये रिफाइनिंग कंपनियों में से एक है। और देखिए ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। तो चलिए इसके हम फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी मिलियंस में दिखेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहां पर तीन साल के नंबर दिए हुए हैं यहां पर कंपैरिजन के लिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट वैल्यू की। देखिए 2019 में अगर एसेट वैल्यू को देखा जाए तो 491 मिलियन के आसपास रही थी, वहीं बात करें 2020 की तो देखिए यहां पर 672 मिलियन के आसपास होती हुई नजर आई। वहीं बात करें 2021 की तो देखिए यहां पर एसेट वैल्यू में जबरदस्त ग्रोथ हुई है और 934 मिलियन के आसपास इसकी एसेट वैल्यू पहुंचती हुई नजर आई। वहीं बात करें टोटल रेवेन्यू की तो देखिए अगर बात करें 2019 की तो 2019 में कंपनी ने 2269 मिलियन का यहां पर रेवेन्यू किया था। वहीं 2020 की बात करें तो 2355 मिलियन का रेवेन्यू इस कंपनी ने किया था। वहीं बात करें 2021 की तो देखिए 3369 मिलियन का कंपनी ने रेवेन्यू किया, यानी कि रेवेन्यू भी लगातार साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें प्रॉफिट की तो देखिए प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर 2019 की बात करें तो 12.60 मिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ था। वहीं 2020 में बात करें तो 22.07 मिलियन का इस कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसके प्रॉफिट में हुई है। वहीं बात करें 2021 में तो देखिए यहाँ पर 35.08 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पर 2021 में हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर एवरेज से थोड़ा ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि आप देखें ऐसा नहीं है कि इनका आईपीओ आने वाला था तो इन्होंने अपने जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो बढ़ाकर बताए हैं। पिछले साल भी इसमें ग्रोथ हुई थी और इस साल भी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि कंपनी जेन्युइनली ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ यहाँ पर जो है 29 सितंबर को ओपन होने वाला है अप्लाई करने के लिए, 1 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट होने वाली। वहीं बात करें तो देखिए फिक्स प्राइस इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है। वहीं आईपीओ प्राइस की बात करें तो 40 रुपए का आपको एक शेयर मिलेगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो 3000 शेयर्स एक लॉट में रहेंगे और मिनिमम आप 3000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी एसएमई में यह आईपीओ लिस्ट होगा। और अगर बात करें इशू साइज की तो देखिए यह 11 करोड़ के आसपास, 11.71 करोड़ के आसपास का यह इशू है। और अगर टोटल शेयर्स की बात करें तो 29,28,000 इक्विटी शेयर मार्केट में आएंगे ट्रेड करने के लिए, जिनकी वैल्यू यहां पर जो फेस वैल्यू है 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर रहेगी। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन आईपीओज में अप्लाई कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन आईपीओज में अप्लाई करने के लिए जैसे जीरोधा पे आप नॉर्मल आईपीओज में अप्लाई कर देते हैं यूपीआई से, वैसे शायद नहीं होता है। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। जब आप नेट बैंकिंग से एक शायद ए बी ऐसे कुछ होता है जिसको नेट बैंकिंग से जब आप करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पे जाइए, वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी एसएमई आईपीओ
IPOs हैं सारे आपको वहां पर दिख जाएंगे, और वहां से बड़ी ही आसानी से जैसे आप दूसरे IPOs अप्लाई करते हैं वैसे ही आप इन IPOs में भी अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही ईजी होता है, एक बार पहली बार जब आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार जब आप कर चुके होंगे आपकी सारी डिटेल्स उसमें सेव होगी तब आपको अप्लाई करने में मात्र 2 मिनट का समय ही लगेगा। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लॉट की, तो देखिए मिनिमम आप 1 लॉट ही अप्लाई कर पाएंगे जिसमें 3,000 शेयर्स रहेंगे, 1,20,000 रुपये उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम लॉट रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 3,000 शेयर्स ही हैं, 1 लॉट ही कर पाएंगे, 1,20,000 उसकी वैल्यू रहेगी। तो देखिए ये SME IPO हो गया, और इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, IPO की डिटेल कैसी है, सब हमने समझ लिया। अब बात आती है कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इस IPO को इग्नोर कर देना चाहिए। तो देखिए आमतौर पर मैं जो SME IPOs होते हैं मैं उनमें बोलता हूँ कि आप जो रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे रिटेल निवेशक हैं या जो नए रिटेल निवेशक हैं या फिर जो ऐसे रिटेल निवेशक हैं जो ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेना चाहते, उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि इन IPOs में आप अप्लाई ना करें। ये IPOs देखिए अच्छे हैं खराब हैं, ये छोटी कंपनीज के होते हैं तो ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पाता, और देखिए आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं और आपका बहुत सारा पैसा, आप देख सकते हैं 1 लॉट अप्लाई करने में 1,20,000 रुपए जाता है, तो वो आप यहां पर फंस सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे रिटेल निवेशक ऐसे भी हैं जिनका कैपिटल करीबन 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, और वो नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और देखिए वो नई नई चीज़ों में नए नए ट्रायल करने में बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पर इस कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी काफ़ी छोटी है, लेकिन देखिए ये कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया 2003 में बन गई थी, और ऑयल रिफाइनरी है, और रिच सोया करके इनका जो ऑयल है वो मार्केट में बिकता है। और देखिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल देख के या जो ग्रोथ है वो देख के कि इस कंपनी में ऐसे निवेशक जो बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं और देखिए रिटेल निवेशक हैं तो वो इस IPO में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 1,20,000 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखता। और देखिए इस IPO में आपको केवल और केवल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा उसकी भी ज़्यादा गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स हैं और कंपनी जिस तरीके से काम करती है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है और आपके पैसे यहां पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन याद रहे मैं यहां पर कोई भी सजेशन आपको नहीं दे रहा, बस अपना व्यू आपको बता रहा हूं और कंपनी के बारे में आपको बताया है जिससे आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है उसमें थोड़ा सा मदद मिल सके। यहां पर मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि आप मेरे कहने से इस IPO में अप्लाई करें, क्योंकि भाई देखिए पैसा आपका है, आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछकर ही किसी IPO में अप्लाई करना चाहिए। और देखिए जो छोटे निवेशक हैं या जिनका 20 लाख 10 लाख या इतना भी कैपिटल है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इन IPOs में अप्लाई करें। लेकिन जो बड़े निवेशक हैं, जो नया ट्राई करना जानते हैं और जो बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं, बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं, वो इस IPO में ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सोचने के पहले आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो देखिए ये मेरा व्यू है, यहाँ पर जो मैंने बताया वो अपनी एनालिसिस के अनुसार, अपनी रिसर्च के अनुसार आपको बताया, बाकी आप जो भी करें इसमें अपनी इच्छानुसार या अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।